हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो आज माशाल्लाह रमज़ान डे 17 है, तो आज मैं सहरी में उठ गई और आज मैंने सहरी में ही कुक किया, बिकॉज आलू की सब्ज़ी करनी थी। इसे कतली कहते हैं, तो आप लोग के इधर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनती है, और माशाल्लाह आलू तो ऐसा वेजिटेबल है, इसे आई थिंक वेजिटेबल का राजा बोलना चाहिए। ये हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वेज हो, चाहे आप पराठे बना लो, भजिए बना लो, माशाल्लाह से आलू हर चीज़ में काम आ जाता है। तो बेसिकली आज सहरी का टाइम, तो हमने सहरी कर ली और बस सहरी के लिए हम लोग बैठे थे, और बहुत यम्मी बनी थी वो, टेस्टी भाजी बनी थी बहुत। अब ये प्रिंसी आ गई है, ये अक्सर हमारे साथ ही सहरी में या इफ्तार में आपको दिखेगी, बिकॉज़ ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। ज़्यादा हम बुलाएंगे तभी वो आती है, अदरवाइज़ वो अपने हमारे खानों में मुँह नहीं डालती है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी। अब हमारी सहरी हम कर लेंगे फटाफट से। अब मैं जा रही हूँ इफ्तार की प्रिपरेशंस करने के लिए। जैसे कि पता है कि अब रमज़ान फटाफट से देखे 17 रोज़े हो गए, तो एक ऐसी वाइब जा रही है यार, रमज़ान अब चला जाएगा, फिर हमारी वही बोरियस सी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, नमाज़ें तो हम पढ़ते हैं, बाकी ये जैसे इफ्तार हम बना लेते हैं, यमी यमी से डिश बना लेते हैं। तो अब ये दाल भिगा ली है मैंने, साबूदाना भिगा ली है, ये साबूदाना बड़े बनेंगे आज, और मूंग दाल के भजिए। तो मूंग दाल के वैसे भजिए बनेंगे जो याद है वो टपरी, चाय की टपरी जो रोड साइड होती है उधर, वहाँ मूँग दाल के भजिए और चाय मिलती है कूलर में, उस टाइप से। ये मूँग दाल के भजिए मैं बना रही हूँ, और साथ में साबूदाना वड़ा बनेगा। साबूदाना वड़े की ऑलरेडी रेसिपी मैंने शेयर की, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो यू कैन गो एंड चेक। तो ये भजिए भी जो मैं बना रही हूँ मूंग दाल के, इसकी भी फुल रेसिपी शॉर्ट वीडियो में मैंने ऐड कर देना है, बिकॉज अगर मैं इसमें ही आपको फुल रेसिपी शेयर करती चलूँगी तो यू विल गेट बोर, तो आप चेक कर लेना। तो इसी तरह आलू का जो ये मैंने टिक्की बनानी थी ये बना ली है, साथ में मैं पुलाव बना रही हूँ मटन का, ये रात में ही मैं प्रिपेयर कर दूँगी, बिकॉज जिन्हें खाना है वो रात में, बाकी मैं और मेरी डॉटर तो सहरी में ही खाएंगे, हम डिनर नहीं खाते हैं। तो माशाल्लाह से हम सहरी के लिए ये प्रिपेयर कर लेती हूँ, और फटाफट से हम जाएँगे भजिए प्रिपेयर करने थे वो कर लिए। माशाल्लाह से मेरी इफ्तारी तैयार हो गई थी, हम दस से काम पर बैठ गए दुआ के लिए। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की जैसे रौनक है हमारे साथ, हमारे घर में हमेशा इसी तरह रहे। हम जिस तरह चेंजेस अपने रमज़ान में इस तरह अपने में लाते हैं, वही चेंजेस सालों साल हमारे में रहे। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हर किसी के घर में खैर हलाल रिस्क अता करे, और खैर आफियत से हर कोई रहे। तो बस मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को वॉच किया है ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, तो डू सब्सक्राइब। एंड टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।